हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर की हूँ दिवाली डेकोरेशन के लिए दो आइडिया, जो कि आप भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। मैं इसमें पुराना सामान का यूज की हूँ, जो कि है कार्डबोर्ड और ग्लास जार का जो लीड रहता है उसका यूज की हूँ मैं यहाँ पे। और अभी जो हमारा पहला DIY है वो कैंडल होल्डर है, जो कि मैं पिस्ता सेल और जो ग्लास जार का लीड रहता है उसका यूज़ करके मैं ये वाला टी लाइट होल्डर क्रिएट की हूँ। मैं पहले इसको हॉट ग्लू गन से जो पिस्ता सेल रहता है उसको चिपका दूँगी। उसके बाद बेस कोट के लिए मैं यहाँ जेसो ले रही हूँ। आप चाहे तो व्हाइट एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जेसो का जो टेक्सचर है काफ़ी मोटा रहता है, इसलिए वो एक ही कोट में आ जाता है। काफ़ी अच्छा है ये वाला जेसो, ये मैं इट्सी बिट्सी से ली हूँ। और मैं यहाँ पे पिस्ता सेल को कलर करने के लिए पर्ल कलर का इस्तेमाल की हूँ। वो एक फेस्टिव लुक आने लगता है पर्ल कलर से, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल की हूँ। एक में मैं बिना जेसो का पेंट कर रही थी पहले, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे फिर से जेसो लगा के पिस्ता सेल में फिर कलर करना पड़ा। उसके बाद अच्छा आया वो वाला टेक्सचर। एकदम अच्छे से कलर सूख जाने के बाद उसके ऊपर एक गोल्डन टच दूंगी मैं, उसके बाद ये काफ़ी सुंदर लगने लगेगा। और ये जो मेटेलिक वॉक्स है काफ़ी सुंदर है, ये भी इट्सी बिट्सी से मैं ली हूँ। बहुत ही सुंदर इसका टेक्सचर है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं ज़रूर से। अब ये गोल्डन टच देने के बाद आप देख लीजिए कितना सुंदर दिख रहा है, पूरा फेस्टिव लुक आने लगा है। ये ग्रीन वाला बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा मुझे। अभी बारी आता है हमारा कैंडल लगा के इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए। देख लीजिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो इसमें और एक दो लेयर भी डाल सकते हैं पिस्ता सेल का, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही लेयर डाली हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पिस्ता सेल अवेलेबल नहीं था। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारा सेकेंड DIY की तरफ। मैं इसमें एक रंगोली क्रिएट की हूँ कार्डबोर्ड के हेल्प से। यहाँ रंगोली बनाने के लिए ये वाला कार्डबोर्ड ली हूँ। आप चाहे तो और थोड़ा सा मोटा वाला कार्डबोर्ड ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगने लगेगा उससे, लेकिन मेरे पास यही पतला वाला था तो मैं यही वाला ली हूँ। उसको पहले मैं कट कर लूँगी क्राफ्ट नाइफ से, आप चाहे तो सीजर से भी काट सकते हैं। तो जैसा शेप और साइज चाहिए आप वैसा काट सकते हैं। मैं यहाँ पे ये एक पंखुड़ी वाला शेप ली हूँ और एक राउंड वाला शेप ली हूँ। जैसो अप्लाई करने के बाद आप उसको एक घंटा तक छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सूखने में एक घंटा टाइम ले लेगा। उसके बाद मैं यहाँ एक्रेलिक पर्ल कलर का यूज की हूँ, और वो राउंड वाला जो है शेप उसको मैं रेड पर्ल कलर से पेंट करूँगी, और बाकी सारे जो पंखुड़ियाँ हैं उसको मैं ग्रीन कलर से पेंट करूँगी। क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है इसलिए पर्ल कलर का मैं इस्तेमाल की हूँ, तो थोड़ा फेस्टिव लुक आने लगेगा। और यहाँ पे मैं दो दो कोट की हूँ पर्ल कलर का, उसके बाद ऐसा वाला लुक आने लगा है। अभी इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैं क्राफ्ट मिरर का इस्तेमाल की हूँ, जिसको कि मैं फेविकल MR जो रहता है उसके हेल्प से मैं इसको स्टिक करूँगी। आपको जैसा डिजाइन पसंद है आप वैसा बना सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेलिंग करने के लिए फेविक्रिल का 3D आउटलाइनर यूज की हूँ। ये गोल्डन में है, इसका काफ़ी वैरायटी आता है बहुत सारे कलर्स में। थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करने के बाद ये काफ़ी और भी सुंदर लगने लगेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा कैमरा के पास से आपको ये वाला डिज़ाइन जो है वो दिखा रही हूँ, लेकिन आप जब इसको बनाते हैं तो टेबल या जो नीचे का जो बेस रहता है उसके ऊपर हाथ का सपोर्ट देके ये वाला 3D आउटलाइनर का डिज़ाइन बनाइए, तो फिर आपका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सुंदर दिखने लगेगा।
अभी आप लोगों को तो पता ही होगा ऐसा वाला जो रंगोली है, रेडीमेड रंगोलीज, वो मार्केट में अभी बहुत ही ट्रेंड में चला है, जिसका प्राइस बहुत कॉस्टली रहता है, जैसे कि 350, 500 और थोड़ा बड़ा साइज का लेंगे तो 1,000, 2,000 तक मिलता है। तो आप ये वाला घर में भी क्रिएट कर सकते हैं कार्डबोर्ड का यूज करके। अभी हमारा जो रंगोली है वो बन के तैयार हो गया है। अभी इसका हम लुक देखते हैं, फाइनल लुक। अभी इसको और थोड़ा एनहांस करने के लिए मैं यहाँ कैंडल का इस्तेमाल की हूँ फ्लावर के साथ। देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। और आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।